विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर भिलाई 3 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बीईटीओ बीएल वर्मा एवं शहरी बीईटीओ व स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि बढ़ती जनसंख्या पर विश्व के 8 अरब लोगों को सुरक्षित भविष्य को संसाधनों के अवसर पर प्रदान करना इस वर्ष का थीम है। सैयद असलम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग परिवार नियोजन साधनों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करने अभियान चलाता है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भुवनेश्वर कठौतिया ने बताया कि परिवार नियोजन साधनों में नसबंदी सबसे उत्तम साधन है, जिसे पुरुष और महिला नसबंदी दोनों शामिल है। इसके अलावा जो लोग बच्चों में अंतराल रखना चाहते हैं, उनके लिए अस्थाई साधन निशुल्क उपलब्ध है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वक्त विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो चुकी है। इस वर्ष का थीम है कि सभी लोगों को हम किस तरीके से सुरक्षित और बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकें, व्यवस्था के समन्वय के रहने के और उनका जीवन अच्छा हो, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि परिवार नियोजन के जो अस्थाई और स्थाई साधन हैं पखवाड़े के माध्यम से 24 जुलाई तक चलेंगे। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नसबंदी के ऑपरेशन के शिविर लगाए जाएंगे। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में लोगों की काउंसलिंग की गई। 2 बच्चे 3 बच्चे 1 बच्चे वाले सास और बहुओं को भी बुलाया गया था उसमें, और लोगों को समझाया गया स्थाई और अस्थाई विधियों के मेथड के बारे में। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया। लोगों से अपील की गई है कि सारे साधन निःशुल्क सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, जिसको जो उपयोग करना है वो साधन को उपयोग करें और बच्चों में अंतर लाने के लिए अपने निर्णय करें। जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के तहत हमारे यहाँ गवर्नमेंट में 27 जून से 24 जुलाई तक कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसके तहत हम अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बहुत से साधन जो कि हमारे सरकार के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है उनका उपयोग किया कर सकते हैं। इसके तहत हमारे पास में कॉपर्टी है और माला गोली मालायन है, ई पिल्स है, छाया गोली है, अंतरा इंजेक्शन है, कंडोम है, जो कि बहुत सारे साधन लोग अपनाकर इसे अपने परिवार को सीमित रख सकते हैं और अपने जीवन को उच्च स्तर पर उठा सकते हैं। हाँ, वो जानकारी मिली है ना, वो अच्छी हमारे लिए सुरक्षा के लिए है और जो बता रही है तो अच्छी है, हमको अच्छा लगी है। डॉक्टर साहब ने दिए है जानकारी जो बच्चा मतलब कम करो, बच्चा मतलब अपना रखो सुरक्षा के लिए, अच्छा पढ़ाना लिखाना है, ज़्यादा परिवार नहीं बढ़ाना है, अपन 2 बच्चा ऐसे रखना है और पढ़ाना लिखाना सब अच्छा से करते हैं, देखभाल अच्छा से होते हैं, तो हमको भी मतलब मालूम है। और वो दवा जो बताया ना इंजेक्शन, वो भी अच्छा मतलब लग रही है हमको, सब अच्छा। वो जो कपटी बोली है ना वो लगाने के लिए, वो भी अच्छा है हमारे सुरक्षा के लिए, अच्छा लग रही है वो भी। और वो जो यह टैबलेट बताया था मालाडिन, हाँ वो भी अच्छा लग रही है अपनी सुरक्षा के लिए, सब अपनाना चाहिए और सब अच्छा रहना चाहिए। वो सब अब मतलब अपने यही के लिए बताए है अपना सुरक्षा के लिए, हमको समझना चाहिए और मतलब वैसे करना चाहिए। इस अवसर पर परिवार नियोजन साधनों को अपनाने वालों को पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम में सीनियर कंसल्टेंट LHV श्रीमती आर विश्वास, श्रीमती दत्ता, श्रीमती वेगू गवेल, जितेंद्र पटेल सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मितानिन शामिल रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।